दोस्तों, दारू सिगरेट और गुटखा का सेवन तो हर नशेड़ी करता है, पर वो लोग इस बात से हमेशा अनजान रहते आए हैं कि आखिर इन नशीले चीजों में ऐसा क्या होता है कि इसका सेवन करने से इंसान बेवड़े की तरह इधर उधर भटकने लगता है। आखिर ये सभी नशीले पदार्थ किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, कहीं इसमें कोई विषैला पदार्थ तो नहीं डाला जाता है, और इनके बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो आप सभी इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि अभी के समय में इंडियन विस्की के ब्रांड में नंबर वन पर रॉयल स्टैग ही आता है। रॉयल स्टैग इंडिया में पहली बार 1995 में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया था। अभी भी इंडिया में केवल चार जगह पर ही रॉयल स्टैग की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है, जो कि कोलकाता, मुंबई, गुड़गांव और दमन में स्थित है। रॉयल स्टैग दारू बनाने के लिए गेहूँ, जौ एवं मक्का को यूज में लाया जाता है। सबसे पहले इन अनाजों को खेतों से हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लाया जाता है, और यहीं से शुरू होता है रॉयल स्टैग विस्की को बनाने का पहला स्टेप। सबसे पहले यहां इन अनाजों को करीब 12 घंटों के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है, और फिर 12 घंटे पूरे हो जाने के बाद उनमें से सारा पानी ड्रेन करने के बाद फिर से सभी अनाजों को करीब 14 घंटे के लिए पानी में छोड़ा जाता है। 14 घंटे बाद अब बारी आती है इन गीले अनाजों को सुखाने की, जिसके लिए इन गीले अनाजों को सुखाने के लिए एक बड़े से कमरे में कुछ दिनों तक रखा जाता है। इन सभी अनाजों को फ्लोर पर ऐसे ही फैला देते हैं। करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद अब इन सड़े अनाजों को मल्टिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, मल्टिंग प्रोसेस में सबसे पहले तो धुआं किया जाता है, जिसके लिए यहाँ एक भट्टी में हल्का आग लगाया जाता है ताकि भट्टी से ज्यादा मात्रा में धुआं निकल सके। फिर इन धुएं वाले आगों को अनाजों की कंटेनर्स में लाया जाता है, जिससे कि वो अनाज इन धुओं को सोख ले ताकि विस्की को एक शानदार स्मोकी फ्लेवर मिल सके। इसी तरह 2 दिन बीत जाने के बाद अब अनाजों की क्वालिटी को चेक करने के लिए अनाजों के सैंपल्स को चेक किया जाता है। क्वालिटी में अनाजों के सैंपल्स पास हो जाने के बाद इन सारे अनाजों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ग्राइंडर मशीन में सारे अनाजों को पीसने के लिए भेज दिया जाता है। अब ये सारे अनाज अच्छी तरह से पीस चुके हैं। अब इन सभी अनाजों को अल्कोहल में तब्दील करने के लिए इन्हें सड़ाया जाता है। सड़ने के इस प्रोसेस को फर्मेंटिंग कहा जाता है, जिसके लिए इन सभी अनाजों में यीस्ट का पानी मिलाया जाता है, जो सड़ने की प्रक्रिया को और तेज करता है। करीब 2 दिन तक फर्मेंटिंग प्रोसेस होने के बाद एक बहुत ही तेज गंध वाला अल्कोहलिक स्प्रिट प्राप्त होता है। अल्कोहल को यूनिट में लगे नलों से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाता है। आपको बता दें कि रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है। स्कॉच विस्की एक ऐसी विस्की को कहा जाता है जिसे कि मिनिमम 3 साल तक बियर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है। जी हाँ, 3 साल तक। नॉर्मल विस्की का प्रोसेस यहीं तक होता है, लेकिन रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है, इसीलिए इसे 3 साल तक डब्बों में पैक करके रूम में रखा जाता है, ताकि इस विस्की को पीने के बाद एक रॉयल जैसा एहसास हो सके। अब 3 साल बीत जाने के बाद फाइनली इसे बोतलों में पैक किया जाता है, कुछ ऐसे। दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप एक बारी में कितना पैक मारते हैं। दोस्तों, आप जरा देख लेते हैं कि इस सिगरेट को कैसे बनाया जाता है। सिगरेट बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले तंबाकू को तैयार किया जाता है, जिसके लिए तंबाकू के नर्सरी को सेल्टर फॉर्म में तैयार किया जाता है, और जब ये तैयार हो जाते हैं तब इन्हें उखाड़ कर खेतों में बोया जाता है। तंबाकू की एक अच्छी फसल तैयार होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो अब फसल तैयार हो जाने के बाद वर्कर्स इनके पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर इन पत्तियों को सुखाने के लिए फैक्ट्रियों तक लाया जाता है। यहाँ इन पत्तियों में धागे को बांध कर लकड़ियों के सहारे लटका दिया जाता है, और इन्हें सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और
और जब ये कुछ दिनों के बाद सूख जाते हैं तब इन्हें उखाड़ कर इकट्ठा कर लिया जाता है और आगे इनको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर ये वर्कर से सिकड़े हुए पत्तों को सीधा करने का काम करते हैं और सड़े एवं सूखे पत्तों को छांट कर अलग किया जाता है ताकि सिगरेट में मौजूद तंबाकू बेस्ट क्वालिटी का बन सके। तो अब दोस्तों इन सभी तंबाकू के पत्तों को सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले इन सभी तंबाकुओं के पत्ते को ब्लेंडिंग मशीन के जरिए ब्लेंड किया जाता है, जिससे कि तंबाकू के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो अब तंबाकू बनकर तैयार है। अब अगले स्टेप में सिगरेट के फिल्टर को तैयार किया जाता है। सिगरेट का फिल्टर सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर से बनाया जाता है। पतले पट्टी को मशीन में डालकर रोल किया जाता है। तो अब फाइनल स्टेप में सिगरेट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए रोलिंग पेपर का यूज किया जाता है। इन पेपर के रोल्स को ये मशीन तैयार करती है और यहाँ ये मशीन एक तरफ से तंबाकू और दूसरे तरफ से फिल्टर टिप को डाल देती है और अब सिगरेट बनकर तैयार है। अब इन सभी सिगरेट को फाइनल इंस्पेक्शन के लिए इन सभी मशीनों से होकर गुजरना होता है, जिससे कि टूटे फूटे और खाली सिगरेट को अलग कर लिया जाता है। तो फाइनली अब इसे डब्बों में पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से तैयार हो जाती है हमारी सिगरेट। दोस्तों हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आप आखिर एक दिन में कितने सिगरेट फूंक देते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब। तो अब जरा देख लेते हैं कि आखिर इस पान मसाला को कैसे बनाया जाता है। गुटखा बनाने के लिए सबसे अहम चीज होता है बीटल नट्स, जिसे हम आम भाषा में सुपारी भी कहते हैं। तो गुटखा बनाने के लिए इन सुपारियों को पेड़ों से तोड़कर धूप में सुखाया जाता है और जब ये सही मात्रा में सूख जाता है तब इनके बाहरी कवर को छीलकर उसमें से सुपारी निकाल लिया जाता है। अब इन सुपारियों को एक जहरीले रंग में उबाला जाता है। इन्हें उबालने के लिए वही सुपारी के सूखे छिलके को भट्टी में डाला जाता है ताकि सुपारियों को एक अलग फ्लेवर आ सके। बाद में इसमें कत्था और अलग अलग तंबाकू कंपनी के हिसाब से फ्लेवरिंग मिलाई जाती है और इसी स्वाद को टिकाए रखने के लिए इसमें पैराफिन डाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, पैराफिन एक खतरनाक विलियन होता है जिसे फलों को ताजा रखने में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाद में पूरे मिश्रण को अच्छे से धूप में सुखा लिया जाता है। अब इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और इसमें चूना, कत्था और फ्लेवरिंग को मिक्स किया जाता है और सबसे अंत में इसमें कांच का पाउडर भी मिलाया जाता है, जिसके कारण गुटके को चबाने पर मुंह में छोटे छोटे खरोचे आ जाती है और जब गुटके का निकोटीन उस खरोचे हुए भाग में लगता है तब व्यक्ति को नशा होने लगता है और सुपारी द्वारा खरोचा हुआ भाग धीरे धीरे कठोर होने लगता है। इसी के कारण तो गुटखा खाने वाले व्यक्ति का मुंह कम खुलने लगता है क्योंकि मुंह के मसल्स चबाने से कमजोर होने लगते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हर प्रकार के गुटके में कांच का पाउडर नहीं मिलाया जाता है, बस कुछ ही गिने चुने कंपनियों के गुटकों में कांच का पाउडर मिलाया जाता है। तो दोस्तों गुटखा बनकर तैयार हो चुका है, तो कंपनी इसको पैकेट्स में भरकर बाहर बिकने के लिए मार्केटों में भेज दिया जाता है और इस तरह से तैयार हो जाता है हमारा गुटखा। आप कौन से कंपनी का गुटखा खाते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही तक, मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर दें। अब आपके सामने दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।